साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र जो कामान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विस्तृत जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम लोग हमेशा देखते हैं, नई से नई विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। आज विषय है मुहूर्त निकालना हुआ आसान। मुहूर्त के बारे में हम लोग बहुत सा वीडियो देखे हैं, मैं ही नहीं बहुत से हमारे यूट्यूबर जो हैं भाई यूट्यूब पर वीडियो अपना मुहूर्त को लेकर के डाले हुए हैं। लेकिन यह मुहूर्त निकालने का तरीका जो है एक अजीबा, आपको एक अजीब सा साबित होगा, जिसे आप ध्यान से देखें और समझें। यह मुहूर्त साणी जो बताया जाएगा वह कुछ अलग ही बताया जाएगा और यह मुहूर्त के माध्यम से आप आसानी से मुहूर्त निकालना सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। आगे ये भी आपको बताया जाएगा, कृपया वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। यदि आधा अधूरा देखेंगे तो इस मुहूर्त के बारे में आप भली भांति से नहीं जान पाएंगे। वीडियो को इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग पूरी तरह देखें। इस वीडियो के अंतिम में आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया जाएगा कि मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। जिस दिन आपको मुहूर्त निकालना हो उस दिन की तिथि पंचांग से, तिथि नक्षत्र वार तथा उस दिन चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं, इन सबको निकाल करके सबकी संख्या को निकाल लेंगे और संख्या को निकालने के बाद उसे जोड़ देंगे और उस जोड़ में को 9 से भाग दे देंगे। यदि एक शेष बचेगा तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, 2 बचे तो अग्नि का भय रहेगा, 3 बचे तो शुभ है, 4 बचे तो बुरा होगा यानी आपकी भलाई नहीं हो पाएगी, 5 बचे तो शुभ है, 6 बचे तो बहुत ही बुरा होने वाला है, 7 बचे तो शुभ समझें, 8 बचे तो बीमारी यानी रोग आपके घर में प्रवेश करेगा, 0 बचे तो शुभ समझें। इस प्रकार हम लोग इस नियम को समझ लिए। पहले हम लोग को कोई भी विषय यदि सीखते हैं तो नियम को समझना अच्छी तरह से बहुत जरूरी होता है। यदि नियम ही आप सही से नहीं समझ पाएंगे तो उसका फल भी आप नहीं निकाल पाएंगे, फल भी आपकी गलती ही हो जाएगी। इसलिए पहले नियम को विशेष रूप से ध्यान दे लेना है। आगे देखते हैं, तिथि वार नक्षत्र का चक्र आपको दिया जाएगा जिसे आप देख लेंगे, उस संख्या उस वहीं से आपको तिथि वार और नक्षत्र का संख्या उठाना है। बार की गिनती रविवार से हम करते हैं। तिथि तो आप समझते हैं कि प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी से शुरू होता है, इस प्रकार क्रमवार शुरू होता है। वार जो है उसकी गिनती का प्रारंभ जब करेंगे तो हम रविवार से प्रारंभ करेंगे, नक्षत्र जो होता है अश्वनी से प्रारंभ करेंगे। जैसे मान लें नक्षत्र यहां पर मूल है किसी का, जिस समय वो प्रश्न कर रहा है नक्षत्र मूल है, वार बुधवार है, तिथि पूर्णिमा है तथा जब पंचांग में देखे तो चंद्रमा जो है कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो इन सब संख्याओं को निकाल लेना होता है। तो जैसे इसके निकालने के लिए भी तरीके दिए जाते हैं, बताए जाते हैं कि कैसे निकाला जाता है, उसका सारणी कैसे है। तो सरल रूप से हम आपको एक सारणी दिखा देते हैं, जिस सारणी को आप स्क्रीनशॉट लेकर के और उसको भली भांति से समझ करके अपने भी समझ सकते हैं तथा मित्रों को भी समझा सकते हैं। जैसे यहां देखें नक्षत्र का चक्र दिया हुआ है जो यहां पर 1 से 28 तक, जिसमें अभिजीत नक्षत्र भी यहां पर शामिल किया गया है। सब 27 नक्षत्र होते हैं, अभिजीत लेकर 28 माने जाते हैं। तो अंक चक्र से यहां पर नक्षत्र का नाम दिया गया है और यहां पर देखिए अंक की संख्या दी गई है, जो नक्षत्र आपका उस दिन बीच गोचर कर रहा हो उस दिन का यह अंक उठा लेंगे, यहां से अंक ले लेंगे। ये योग का है लेकिन योग वहां पर हमें जो प्रश्न हम लोग अभी देख रहे हैं सीख रहे हैं उस योग में उसमें योग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तिथि की आवश्यकता है। तो तिथि का चक्र यहां से देख लेंगे,
परिवा को एक, द्वितीया को दो, तृतीया को तीन, चौथ को यानी चतुर्थी को चार, इस प्रकार अमावस्या को 30 और पूर्णिमा को 15 ये अंक उठाना पड़ता है। इस प्रकार हम लोग अंक उठा करके और देखते हैं। जैसे मान लें नक्षत्र मूल है तो मूल 19वां नंबर पड़ेगा, जो 19 संख्या उठा लेंगे वहां से। वार जो है रविवार से गिनती करना है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी चार अंक हुआ, चार संख्या लिए। तिथि पूर्णिमा है तो पूर्णिमा को 15 संख्या लेना है, सबको जोड़ दिए 38 हुआ। चंद्रमा जो है कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं यानी कन्या राशि में प्रवेश किए हुए हैं तो वहां से 6 लेंगे, 44 हुआ। और 44 में 9 का भाग दिए तो 9 का 36 यानी 8 शेष बचा, यानी बीमारी होगा यानी बीमारी देगा, रोग होगा। लग्न के अनुसार कोई भी मुहूर्त देख लें, विशेष में कुछ बातें भी दी गई है, लग्न के अनुसार भी आप देख सकते हैं। यहां पर लग्न में देख करके भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि गुरु और शुक्र लग्न में है तो आपके लिए ठीक है, शुभ है। तृतीय भाव में सूर्य और मंगल हैं तो शुभ है, और एकादश भाव में भी यदि सूर्य और मंगल हो तो शुभ माने गए हैं। यानी तृतीय और एकादश भाव में सूर्य और मंगल हो तो शुभ, तथा लग्न में गुरु और शुक्र हो यानी ये शुभ ग्रह में आते हैं तो ये हमारे लिए मुहूर्त के लिए हमारे बहुत उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज सीखा कि मुहूर्त निकालने के लिए सबसे आसान तरीके कौन है, इसके अनुसार हम लोग निकाल करके और फल निकाल करके जातक को संतुष्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, धन्यवाद। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।